झारखंड का टुंडी विधानसभा एक महत्व रखता है, एक मायने रखता है। मथुरा प्रसाद महतो लगातार 3 बार से यहाँ जीतते रहे हैं। भले ही मुख्यमंत्री रघुवर दास थे, परंतु इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व मथुरा प्रसाद महतो कर रहे थे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि झारखंड में विकास तो हुआ है, जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते रहे हैं कि विकास कहाँ है, मैं वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। मेरा यह कभी भी आशय नहीं है कि झारखंड हर जगह यही है। झारखंड में विकास हुआ है, परंतु सुदूर गांववर्ती का स्थिति क्या है, ग्रामीणों की स्थिति क्या है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं अभी हूँ टुंडी विधानसभा के लटानी में। यह ब्लॉक से महज कुछ ही कदम की दूरी पर है, यूं कहें 1 किलोमीटर की दूरी पर भी नहीं है, परंतु आप देख रहे होंगे मेरे पीछे सड़क की स्थिति क्या है। इसके लिए मैं कभी यह नहीं कहता कि जिम्मेवार सिर्फ विधायक ही हैं, सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, मुखिया भी हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि ये सभी यहाँ रहते हैं। ग्रामीण लगातार शिकायत करते हैं, बावजूद इसके अभी तक यदि इसका समाधान नहीं हुआ, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप समझिए, इसके बाद यह निर्णय लीजिए कि इसका वास्तविक जिम्मेवार कौन है, क्योंकि ग्रामीण प्रत्येक 5 वर्ष में, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, मतदान करते हैं, जनप्रतिनिधि चुनते हैं और अपना रोना आज भी रो रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो बावनबाद गांव की हैं, जिस गांव को जोड़ने की यह मुख्य सड़क है। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। एक एक कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी स्थिति में सुधार क्यों नहीं हुई। मैडम, स्वागत आपका। सभी को जोहार। क्या स्थिति रही है, चूँकि जो मैं आज देख रहा हूँ, गाड़ी हमारे यहाँ तक नहीं आ पाई, पैदल चलकर मैं यहाँ आया हूँ, तो स्थिति कब से इस तरह की बनी हुई है? हम लोग का रोड तो बहुत दिन से इस तरह ही है। अभी तक इतना विधानसभा जीत रहा है, कोई मतलब ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग ऐसे में ही जा रहे हैं, ऐसे में क्या करेंगे, हम लोग किसको बोलेंगे? जीतने वाला तो जीत जाता है, जीतने के बाद कोई ध्यान नहीं देता है। वोट मांगने के लिए, हाँ, चाहे वोट मांगने के लिए तो बहुत आता है, बोलता है वोट दीजिए हमको, वोट तो हम लोग दे देते हैं, लेकिन देने के बावजूद भी अभी तक हम लोग का रोड ऐसे के ऐसे ही है। कभी आपने पूछा नहीं कि जो आप पैदल चल के गांव आते हैं, आपकी गाड़ी गांव नहीं आ पाती है, आप वोट मांगने आते हैं, तो इस पर ध्यान क्यों नहीं? नहीं, ये सब सवाल तो अभी नहीं किए हैं, अब आता है। देखिए, हम अकेले बोलने से नहीं ना होगा, सब आदमी बोलेगा एकजुट होकर, तभी वोट तो हम अकेले नहीं दे रहे, वोट तो सबको ही दे रहा है, सबको ही बोलना चाहिए ना। हम अकेले उसके साथ लड़ेंगे बोलेंगे तो मेरा काम देगा नहीं देगा, लेकिन सब मिल के काम करेंगे, सब मिल के बोलेंगे तो जरूर सुनेगा। रोड तो एक दिख रहा है, जो सड़क है वो हम लोग देख रहे हैं, इसके अलावा और क्या समस्या आप देख रही हैं अपने गांव का? मेरा गांव में फिलहाल रोड का है, पानी का सुविधा भी नहीं है। पानी का सुविधा जो हो रहा है, हम लोग रोड बना लेते हैं, चपाकल बना लेते हैं, किसी का भी ज़मीन में बना लेते हैं, ऐसा तो कोई कि खास ज़मीन में, कोई भी बोलता है मेरा ज़मीन में बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बनाने के बाद वो इंसान क्या बोल रहा है, ये मेरा चपाकल है, यहाँ धोने नहीं देंगे। तो सरकार की ओर से नल जल योजना चलाई गई है कि हर घर में नल लगाया जाएगा जहाँ से जल मिले, क्या वो सुविधा आपके गाँव में नहीं आई? हाँ, पानी का सुविधा तो आई है, लेकिन डेली डेली तो पानी देवो नहीं कर रहा है। कितने दिनों में मिल रहा है आप लोगों को? कभी तो ऐसा होता है कि 1 सप्ताह बाद दे रहा है, कभी 2-4 दिन बाद दे रहा है, तो ऐसे में क्या पानी का सुविधा होगा हम लोग का। ये महिलाएं जो अपनी दुख व्यक्त कर रही थी, अब समझिए कि नल से जल योजना तो चलाई गई, परंतु उस योजना का क्या हुआ, आप समझिए कि साप्ताहिक रूप से अगर पानी दिया जाए तो ग्रामीण पियेंगे क्या? ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिस समय रघुवर दास की सरकार थी, उन्होंने कहा कि हाथी उड़ रहा है, अर्थात विकास की गंगा बह रही है और गांव-गांव में वो विकास पहुँचा चुके हैं। इसके बाद जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने भी कहा कि हम ग्रामीणों का विकास करेंगे क्योंकि ये गाँव की सरकार है। अब वो ग्रामीण की स्थिति क्या है, वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे मैं लेने का प्रयास करता हूँ, क्या कमी आप देख रहे हैं, जैसे कि वो महिला बता रही थी, इसके अलावा युवाओं को, या अगर मैं व्यक्तिगत आपसे पूछूं, क्या कमी आप देख रहे हैं? कमी तो देख ही रहे हैं सर, सड़क की कमी,
इसके अलावा और जैसे तो युवा का हाल देख ही रहे, अभी तक तो रोजगार का ठिकाना नहीं है। वही सवाल आपसे भी मैं करना चाहूँगा जो मैंने उनसे किया कि सांसद जो प्रतिनिधि होते हैं, सांसद होते हैं, सब आते होंगे वोट मांगने के लिए, उस समय आप लोग अपनी बात रखते हैं? रखते हैं, वो तो जितने पहले तो बोलता है, वादा करता है कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसके बाद तो कुछ नहीं, जितने के बाद तो नहीं करता वैसा। इसके जहाँ ब्लॉक भी बगल में है, प्रखंड विकास पदाधिकारी यहाँ बैठते हैं, अंचल अधिकारी बैठते हैं, क्या इन लोगों के पास ग्रामीण जाकर अपना बात नहीं रखते? रखने से भी कोई फायदा नहीं था ये लोग से। स्थिति कमोबेश क्या रही है, मैं ये दिखाने का प्रयास किया कि सरकार किसी की भी हो, जनता वही है। और आपने भेड़ भेड़िया कहावत सुनी होगी, हरिशंकर पारशाही जी बड़ी तरीके से आज के प्रजातंत्र का व्याख्या किए थे, वो आज भी देखने को मिलता है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, आते हैं वादा करते हैं, बात करते हैं चले जाते हैं। और विकास आप देख रहे हैं जस का तस है, ग्रामीण प्रत्येक 5 वर्ष के बाद ठगे जाते हैं और स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में आरोप प्रत्यारोप का बात छोड़कर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया विकास का बात करते हैं, क्योंकि आज तक आपने किसी से यह नहीं सुना होगा कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर लोगों ने बात किया है, क्योंकि स्कूल तो हैं, शिक्षक नहीं हैं, शिक्षा नहीं है, फिर आप रोजगार कहाँ से देंगे? और एक शिक्षित युवा एक सबल राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, जब शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य ही नहीं, तो आप एक विकसित देश का कल्पना कैसे कर सकते हैं, जो लक्ष्य है कि आने वाले समय में 47 तक हमारा देश विकसित हो जाएगा, ये कल्पना से कहीं परे नहीं दिखता है। क्या रहती है दूसरी जगह की स्थिति, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आप मुझे तुंडी विधानसभा से दीजिए अनुमति। नमस्कार।